व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइट रूम से फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। आपको कमाल के लाइट रूम प्रीसेट भी दूंगा, जो कि कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बिफोर और आफ्टर। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर लाइट रूम इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा इंस्टॉल है, तो सीधे मैं लाइट रूम पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों आप लॉगिन कर लीजिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना रखा हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना फोटो ऐड कर लेना है। फोटो ऐड कर दूंगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये वाला प्रीसेट दूंगा। दोस्तों आप मेरे वेबसाइट से प्रीसेट कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं इसके ऊपर वीडियो बना रखा हूँ, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि लाइट रूम प्रीसेट कैसे डाउनलोड किया जाता है, और वो मेरा खुद का वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट पर ही लाइट रूम प्रीसेट देता हूँ। तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों आपको इस प्रीसेट को ऐड कर लेना है जो मैं दूंगा आपको। तो मैं ऐड पर क्लिक कर दिया। उसका दोस्तों क्लिक करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो को ऐड कर लेना है, जिस फ़ोटो को आप एडिटिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं पहले से ही ऐड कर रखा हूँ, आपको बस दिखाने के लिए कोई सा भी फ़ोटो एक ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड कर लिया दोस्तों, ऐड करूँ दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरे प्रीसेट पर चले जाना होगा। तो मैं प्रीसेट पर क्लिक करूँगा, प्रीसेट पर क्लिक करूँ दोस्तों, यहाँ पर लोडिंग ले लेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3D स्कैनर दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करूँ दोस्तों, यहाँ पर कॉपी सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो कॉपी सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इस साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करें दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग कॉपी हो जाएगा आपका पूरा। उसका दोस्तों यहाँ से बैक आ जाना है, बैक करने दोस्तों आपको अपने फ़ोटो पर चले जाना है, जिस फ़ोटो को आप एडिटिंग करना चाहते हैं। तो मैं उस फ़ोटो पर चले जाता हूँ, तो मैं इस फ़ोटो पर क्लिक करूँगा और मैं इसी फ़ोटो को एडिटिंग करना चाहता हूँ। उसका दोस्तों 3D स्कैनर पर फिर से आपको क्लिक करना है। इस बार दोस्तों आपको पेस्ट सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप पेस्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो एक क्लिक में ही एडिटिंग हो जाएगा, जो कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बिफोर एडाप्टर का। दोस्तों अगर आपको अपना फ़ोटो ये जो एडिटिंग किए हैं अपने मोबाइल के गैलरी में सेव करना है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक बार टच कर दीजिएगा। टच करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करो दोस्तों, यहाँ पर सेव टू ड्राइव का ऑप्शन आएगा, तो सेव टू ड्राइव पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फोटो एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा फोटो एक्सपोर्ट कम्प्लीटेड हो चुका है, और यह फोटो मेरे मोबाइल की गैलरी में चला गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप इस तरह करके लाइट रूम से अपना फ़ोटो अपने मोबाइल की गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह करके बहुत आसानी से लाइट रूम से फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों मैं लाइट रूम के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ। अगर दोस्तों आपको ये सारे लाइट रूम के प्रीसेट चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको सारे ये लाइट रूम के प्रीसेट का लिंक मैं अपने इंस्टाग्राम पर दे दूंगा, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो पहले टेक केयर, बाय। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों से शेयर करें, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करें दोस्तों, इस पास बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।